आज हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे, वो भी निमोनिक्स मेथड से। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निमोनिक्स मेथड होता क्या है। निमोनिक्स मेथड का हिंदी अनुवाद है स्मृति विज्ञान। इसका मतलब यह है कि याद करने का एक साइंस है, याद करने का एक विज्ञान है, जो कि हम लोग किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम लोग मैथ में इसको अप्लाई करके देखते हैं। मैथ में अप्लाई करने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि मैथ में डिजिट्स का खेल है। स्क्वायर जब भी देखते हैं हम लोग तो वहाँ पता चलता है कि सारा डिजिट है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक कोड तैयार करते हैं जो कि हर एक जगह ये कोड अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक से लेकर के दस तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, इसलिए इस कोड को बनाया गया है। तो देखते हैं कि वन जो है उसको टी से या तो डी से, दोनों में से किसी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। टी, टी में एक लाइन है, डी में भी एक लाइन है, तो ये टी हो गया, ये डी हो गया। अब देखते हैं टू, टू को हम लोग उल्टा लिख सकते हैं इस तरह करके, टू जैसा लग रहा है इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए टू को एन से। थ्री को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए एम से। फोर को हम लोग पढ़े हैं आर से, इस टाइप का होता है फोर, तो इसलिए हम लोग फोर को आर से डिनोट किए। पाँच का एल, ये पाँच हो गया। सेफ यहाँ देखिए, ये किस चीज़ का हो रहा है, एल का, इसलिए हम लोग एल से डिनोट करते हैं। सिक्स को देखेंगे, यहाँ से आके ये यहाँ मिल सकता है, फिर जे को देखेंगे यहाँ के मिल सकता है, तो सिक्स को हम लोग जे या तो जी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। सेवन को के, और जस्ट उसी तरह से के का साउंड या क का साउंड सी से भी होता है, इसलिए सेवन के कैटेगरी में हम लोग के और सी रखे हैं। एट को बी और एफ, नाइन को पी और बी, पी और बी क्यों, पी जो है और बी दोनों नाइन का उल्टा लग रहा है। दस या तो जीरो, यहाँ जीरो देखिए, दस नहीं होगा, जीरो, जीरो को हम लोग जेड या तो एस, दोनों सेम लग रहा है इसलिए हम लोग जीरो को जेड या एस से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसी कोड को हम लोग स्क्वायर में फिट करेंगे जो कि 11 से लेकर के 30 के बीच में, 11 से लेकर के 30 के बीच में हम लोग इस डिजिट को या इस डिजिट का कोड को हम लोग 10 तक तो जानते हैं, 11 से लेकर के 20 तक, और फिर 21 से लेकर के 30 तक देखेंगे। आइए अब हम लोग उस कोड को 11 से लेकर के 30 तक के बीच में जितना भी स्क्वायर होता है उसको फिट करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग अपने से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे जो हम लोग को हमेशा के लिए याद रह सके। तो देखते हैं, वन को हम लोग टी या डी से हम लोग डिनोट किए थे, तो डी, डी लिख देते हैं। टू को एन से, फिर वन को डी से, डी एन डी। वन को डी से, फोर को आर से, फोर को आर से। वन को डी से, सिक्स को जी या जे से, तो हम लोग क्या करेंगे, डी जी, और नाइन को पी से डिनोट कर देंगे। फिर वन को डी से, फिर पी, फिर जी, फिर टू को एन, फिर एन, फिर फाइव को एल, फिर टू को एन, फाइव को एल, फिर सिक्स को जी, फिर टू, टू को एन एफ से, और नाइन को बी से। थ्री को एम से, टू को, टू को
एन से, और फोर को फोर ही लिखते हैं। थ्री को एम से, सिक्स को जी से, वन को वन ही लिखते हैं। फोर को हम लोग लिखेंगे आर, जीरो जीरो को जेड जेड लिख देते हैं। इसी तरह से हम लोग इसमें देखते हैं, फोर को आर आर आर, वन को यहां पे ठीक से, फिर आर एफ आर, फिर फाइव को एल एन, टू को एन से, फिर पी से, फाइव को एल, फिर सेवन को के या सी से, तो हम लोग क्या करते हैं के से कर देते हैं, और सिक्स को कर देते हैं हम लोग जी से, फिर सिक्स को जी, फिर टू को एन, फिर फाइव को एल, या सिक्स को यहाँ जे से कर देते हैं, सिक्स को जे, टू को एन, फाइव को एल, फिर यहाँ सिक्स को कर देते हैं हम लोग जी से, सेवन को के से, और सिक्स को जी से कर देते हैं, सेवन को हम लोग कर देते हैं के से, एन नाइन को पी से, सेवन को हम लोग के से कर देंगे, एट को एफ या तो वी से, एट को एफ से, आपको फोर को आर से, फिर यहाँ एट को एफ आर टी, और यहाँ नाइन को हम लोग लिख सकते हैं बी, और यहाँ जीरो जीरो वैसे रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कोड, सारे कोड को फिट कर चुके हैं। अब इसको मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वोवेल्स का यूज़ करेंगे, ए ई आई ओ यू, जिसके चलते हम लोग उसको काट सकते हैं बाद में, तो हम लोग अपने से वोवेल पुट करते हैं इसमें। देखते हैं, यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ आई कर देते हैं, यहाँ आई कर देते हैं, यहाँ ओ, यहाँ ए, यहाँ एम यू, फिर यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ डबल आर ए, आर ई एफ ई, ये हो गया एल के जी जोनल कापा, यहाँ बोल देते हैं काफिर, इसको बोल देते हैं फोर्ड, यहाँ हो गया। अब देखते हैं निमोनिक्स मेथड। अब निमोनिक्स मेथड में हम लोग देखेंगे कि एक कहानी हम लोग यहाँ फिट करते हैं। एक बार या वीडियो पॉज करके देखिए, फिर से दोबारा देखिए, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका कहानी है राजा बनने का और इसका कहानी है हॉस्पिटल में, और वो भी रात का समय। यहाँ देखते हैं कि राजा कैसे बना। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि तुम राजा कैसे बने, जरा लिख के तो बताओ। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले जब मैं राजा बना तो उसमें लिख रहा हूँ, जब मैं राजा बना उसके बाद सारे लोग मुझे परेशान करने लगे, कंपनी लोग परेशान करने लगे, तो इसके कारण से हम जो है डी एन डी एक्टिवेट किए। क्यों? क्योंकि हमको डर लगा। यहाँ देखिए डी ए डबल आर किए हैं, डी एन डी एक्टिवेट किए, इसलिए हमको डर लगा था, इसलिए हम लोग डी एन डी एक्टिवेट किए। अब डी एन डी एक्टिवेट करने के बाद हमको डर लगा, उसके बाद मैंने डी जी पी को फ़ोन किया, पता चला कि डी पी जी को मैंने फ़ोन कर दिया। अब डी पी जी वहाँ मैं नील रह गया, डबल एन आई एल नील रह गया, तो मेरे दोस्त ने इस नील को काट के ये नील लिख दिया, एल एन आई एल,
उसके बाद बोला बोला ये डबल एन आई एल नहीं, ये एन आई एल, इसलिए नील जी। बोले ठीक है और बताओ क्या है, लिखो आगे। तो मैंने लिखना शुरू किया कि मैं फेसबुक भी नहीं चला रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैं फेसबुक भी ब्लॉक कर दिया, इसलिए मैं फेसबुक नहीं चला रहा था। तो यहाँ क्या हो गया, नो एफबी। आगे आगे मैं बताता हूँ, उसमें लिखता हूँ कि मैन चार थे और मग एक था, वो भी सोने का था। मग चार, सॉरी मैन चार और मग एक, और मैं उस मग को ले लिया। उस मग को लेने के बाद मैं राजा बन गया। ये हो गया मेरा 11 से लेकर के 20 के बीच में निमोनिक्स मेथड। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, मैं राजा बना, मुझे परेशान करने लगे सब, इसके कारण से मैं DND एक्टिवेट किया। DND एक्टिवेट करने के बाद मुझे डर लगा, डर लगने के बाद मैं DGP को फ़ोन किया, पता चला DGP को फ़ोन ना करके मैं DPG को फ़ोन कर दिया। अब DPG को फ़ोन किया तो मैं नील रह गया, नील बटे सन्नाटा, शांत नील रह गया कि मैंने किसको फ़ोन कर दिया। अब मेरा दोस्त उस नील को काट दिया डबल, क्योंकि मैंने गलत लिखा था डबल NIL, तो बोला कि नील जी, ये नील NIL होता है, इसलिए नील जी। उसके बाद मैं फेसबुक भी नहीं चला रहा था क्योंकि मैसेज आ रहे थे, इसलिए नो FB। आदमी चार थे, मैन फोर, मग एक था, वो भी सोने का, तो मैं उस मग को बेच के राजा बन गया। ये हो गया 11 से लेकर के 20 तक का। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 21 से लेकर के 30 के बीच में, ये हमारा रात का बात है। एक रात थी, एक आदमी को रेफर कर दिया गया, रात का समय था, उस आदमी को रेफर कर दिया गया। अब उस रेफर किया हुआ आदमी कहाँ पहुँचा, LNP हॉस्पिटल। जब LNP हॉस्पिटल पहुँचा, उसके बाद बोला कि मेरा बेटा तो आया नहीं है, तो अपने ड्राइवर को बोला कि जाओ तुम मेरे बेटे को लेते आना। तो उसका जो ड्राइवर है वो गया LKG में, जो उस जोनल का था, वहाँ पढ़ रहा था GK, इसलिए GKG। जब उस ड्राइवर ने उसको बताया तो बच्चा कांपा, थर्राया, कांपा। कांपने के बाद उसने ड्राइवर को बोला काफिर, पर काफिर हो तुम, मुझे बताया नहीं। उसके बाद बोले ठीक है महाराज, मुझसे गलती हो गई, अब बैठिए मेरे फोर्ड गाड़ी पर। अब फोर्ड गाड़ी पर बैठे वो निकल गए। यही था मेरा निमोनिक्स मेथड। दो बार कम से कम आप देख लीजिएगा, आप जिंदगी भर नहीं भुला पाइएगा। ये मेरा दोनों निमोनिक्स मेथड है, ये 11 से लेकर के 20 तक और 21 से लेकर के 30 तक के बीच में। अगले वीडियो में मैं क्यूब बताऊंगा निमोनिक्स मेथड से, 11 से लेकर के, सॉरी 11 से नहीं, 5 से लेकर के या 6 से लेकर के 30 तक।